वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी दिग्गज बैंक के बारे में, एक ऐसी बढ़िया बैंक के बारे में, प्राइवेट बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि अपने आप में वन ऑफ दी बेस्ट बैंक है भारत की बात करें। यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर आता है हमेशा HDFC बैंक का। दूसरे नंबर की बैंक की बात करें प्राइवेट बैंक में तो ICICI बैंक है। तीसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक सबसे बड़ी भारत की बैंक है। तो उसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए, और मेरे चैनल में नहीं हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताना चाहूंगा, 1 घंटे पहले यहाँ पे ऑलरेडी मैंने BPCL का वीडियो डाला है, उसमें बड़ी तेजी की संभावना आगे जाकर के निकल करके आ रही है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। तो दोस्तों मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए। अभी बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यहाँ पे मैं सिचुएशन आज की दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो 1945 रुपए के आसपास क्लोजिंग, 5 रुपए 70 पैसे से ऊपर 0.29% की तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो अभी बात करें दोस्तों बैंकों की, तो दो बैंक ही ऐसे हैं जो कि कोविड के पहले के जो लेवल पे थे उसके ऊपर काफी हायर प्राइस पे दिखाई दे रहे। सबसे पहले बात करूंगा HDFC बैंक और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोनों बैंक ही ऐसे बैंक हैं जो कि कोविड के पहले के जो शेयर प्राइस का लेवल था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ऑल टाइम हाई के आसपास ये दोनों बैंक ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चलेंगे यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे, तो वहां पे NSE की वेबसाइट पे भी लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे कारोबार की डिटेल कैसी रही है वो भी बताना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1945 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 5 रुपये 70 पैसे ऊपर जैसे मैंने बताया 0.29% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1939, ओपन होता है 1948 रुपये के आसपास। यहाँ पे हाई बनाया 1958 रुपये के आसपास का, यहाँ पे लो बनाया 1919 रुपये के आसपास का, और यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1951 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 41,41,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें भी बात करें 14,79,000 शेयर की डिलीवरी। डिलीवरेबल परसेंटेज भी बढ़िया है, 36% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में NSE में उठती हुई हमें देखने को मिल रही है। सीधा चलेंगे वो न्यूज पे और न्यूज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, RBI क्लियर रीअपॉइंटमेंट ऑफ उदय कोटक एज MD ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक फॉर द 3 ईयर्स। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी बैंक में MD का यहाँ पे जो टाइम होराइजन होता है 3 साल का होता है, उसके बाद फिर से उसको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे उदय कोटक जी, जो कि वैसे देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक ही हैं, उसने यहाँ पे एज ए MD के तौर पे फिर से 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी RBI को। तो यहाँ पे उसकी जो अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट की जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे RBI ने क्लियर कर दी है, और अभी फिर से हमें उदय कोटक जी कोटक महिंद्रा बैंक के MD के तौर पे फिर से नजर आएंगे। तो यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये सज्जन जी जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के MD है और मालिक भी है। यहाँ पे नीचे लेके आपको पूरी न्यूज की डिटेल बताना चाहूंगा। प्राइवेट सेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक ऑन December 14 से RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द उदय कोटक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। द बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर ऑल्सो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश एप्टे फॉर द 3 ईयर्स। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश अप्टे है उसका भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, ऐसा यहाँ पे बैंक ने बताया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज वाइड इट लेटर डेट ऑन 14 दिसंबर 2020 ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रकाश अप्टे एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन और उदय कोटक एज ए MD एंड CEO एंड दीपक गुप्ता एज अ ज्वाइंट MD फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर विद द इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2021, द बैंक सेड इन द रेगुलेटरी फाइलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सभी जो बड़े बड़े उसके मैनेजमेंट हैं उस सबको यहाँ पे RBI की तरफ से रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल मिल गया है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इट मे बी नोटेड दैट द बोर्ड ऑफ द बैंक एंड शेयर होल्डर अप्रूव दिस रीअपॉइंटमेंट सब्जेक्टेड टू अप्रूवल फ्रॉम द RBI एज देयर रिस्पेक्टिव मीटिंग हेल्ड ऑन May 13, 2020 एंड August 18, 2020। तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे बात करी जाए May 13, 2020 और August 18, 2020 को, यहाँ पे ऑलरेडी शेयर होल्डर की तो अप्रूवल मिल चुकी थी। कोटक इज द फंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ द बैंक व्हाइल द अप्टे वाज अपॉइंट एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक एंड एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन July 19, 2018 फॉर द पीरियड फ्रॉम द
जुलाई 2020 दिसंबर 31 2020। अपटेक की बात करें दोस्तों, जो कि अभी आपको मैंने जैसे बताया कि पार्ट टाइम चेयरमैन है, उसको यहाँ पे जुलाई 19 2018 को नियुक्त किया गया था 3 साल के लिए, जो कि उसकी अवधि खत्म हो रही थी 31 दिसंबर 2020। तो उसको फिर से अप्रूवल मिल गया है, तो फिर से वो 3 साल के लिए यहाँ पे बैंक में अपना कारोबार संभालते हुए हमें नजर आ सकते हैं। बड़ी खबर थी दोस्तों, और इसी के चलते यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्शन देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मतलब कि लास्ट वीक में यहाँ पे करेक्शन हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक में। तो दोस्तों ये वन ऑफ द न्यूज थी, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल जब आरबीआई के पास जाता है तो मार्केट को एक कंसर्न रहता है कि अप्रूवल मिलती है कि नहीं। तो अप्रूवल मिल गई है, फिर से यहाँ पे बढ़िया तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई दे रही, ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है। तो अभी चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि अभी और कितना रनअप ले सकता है, और नीचे गिरा तो कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ जीरो दैकल प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बात करें COVID-19 के पहले की, तो यहाँ पे वो उसने हाई बना रहा था 1725 के आसपास, काफी बार उसने हाई बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद भयंकर गिरावट आपको पता ही होगा। और यहाँ पे मार्च में उसने लो बना दिया था 1001 रुपये का, उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में चला, थोड़ी बहुत तेजी रही। और यहाँ पे बात करूँ दोस्तों नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास की, बढ़िया रॉकेट की तरह तेजी निकल करके आई, उसने यहाँ पे हाई ऑलमोस्ट बनाया 1950 रुपये के आसपास का। अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, उसने जो हाई बनाया था वो 1950 रुपये के आसपास बनाया था, उसके बाद गिरावट यहाँ पे जो उसने संभलने की कोशिश की थी 1800 के लेवल के आसपास की थी, फिर से तेजी आई है और फिर से वहीं पे ही वो रुक के आया है 1950 रुपये के आसपास क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया था। तो दोस्तों 1950 से 1960 रुपये के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है बैंक। अगर आपको अभी फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 1960 के ऊपर जाने के बाद, क्लोजिंग होने के बाद ही यहाँ पे आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज अब यहाँ पे आप थोड़ा वेट कीजिए, फिर से हो सकता है 1800 का लेवल एक बार फिर से टच करना है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद मार्केट की सिचुएशन भी देखनी है दोस्तों। यहाँ पे नीचे और बात करें तो 1725 रुपये के आसपास भी बढ़िया सा सपोर्ट है। इसके नीचे मुझे कोटक महिंद्रा बैंक हाल फिलहाल में तो नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1805 या तो 1725 के लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है। ऊपर की तरफ बात करें, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऊपर और कितना भागेगा वो तो बताना मुश्किल है, परंतु मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि 1960 के ऊपर निकलता है और सस्टेन होता है तो यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन क्रिएट करनी है। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1950 के थोड़ा बहुत नीचे, वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उतना आपको 1950 के नीचे स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। RSI का लेवल फिर से गर्म होने जा रहा है दोस्तों 69.62। RSI का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं चाहूंगा इस लेवल को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। मेरी तरफ से दोस्तों एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उस पर मैं आपको एंट्री दूंगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।